शादी के बाद बेटे की मदद कितनी सही है, आइए जानते हैं। बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरे सास ससुर का सबका व्यवहार कैसा है? नवविवाहित बेटी रिया पहली बार मायके आई तो माँ साधना जी ने पूछा, हाँ माँ सब ठीक है। बेटी बोली, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। साधना जी फिर बोली, वो अम्मी वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वही पुरानी फैशन का चूल्हा है, मुझसे वहाँ खाना नहीं बनता। मम्मी जी से बोला था, वो बोली भी जल्दी दूसरा मंगा देंगी, पर तब तक परेशानी झेलनी होगी, रिया मुंह बनाती हुई बोली। साधना जी उस वक्त चुप रही, पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो, मेरी बेटी छोटी सी चीज़ के लिए परेशानी क्यों झेले? गैस चूल्हा रिया के हाथ में देते हुए साधना जी बोली और बेटी को गले लगा लिया। रिया भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा, मम्मी ने दिया है, तो सास चुप हो गई। बेटा, गैस चूल्हा सही काम कर रहा है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं? साधना जी ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा, हाँ मम्मी ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है जो खाना झटपट गर्म हो जाए, बार बार गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर ही सब काम करने पड़ते हैं। रिया बोली, बेटा इस माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। रिया जिस दिन वापस जा रही थी उसी दिन साधना जी बाहर से आई और ऑटो रिक्शा से माइक्रोवेव उतारते हुए बोली, पर मम्मी ये आपने क्यों खरीदा? रिया माइक्रोवेव देख बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो, कोई उपहार तो देने ही था, तो यही सही। साधना जी बोली और रिया इस बार भी खुशी खुशी वापस चली गई। साधना, मुझे लगता है तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था। साधना के पति श्रीकांत बोले, अरे अपनी एक लौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान हो दे सकती हूँ मैं छोटी सी चीज के लिए, साधना जी ने कहा और अंदर चली गई। बेटा, दिवाली आ रही है, सबके उपहार तो हमने खरीद लिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, साधना जी ने बेटी से फोन पर कहा। वो अम्मी यह फ्रिज छोटा है और पुराना भी, अगर हो सके तो, रिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चलो बेटा मिलते हैं दिवाली पर, साधना जी ने ये कहकर फोन काट दिया। दिवाली के तोहफे के साथ एक डबल डोर फ्रिज लेकर साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के घर पहुंच गए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रिया अपने घर में कुछ ना कुछ चीज़ें कमी का रोना रोती और साधना जी तुरंत वो चीज़ उपलब्ध करवा देती। श्रीकांत जी पत्नी को बहुत समझाते पर वो बेटी के मामले में उनकी एक ना सुनती। आज रिया की शादी की दूसरी सालगिरह है। साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि रिया वहाँ आ गई। मम्मी पापा, पुलकित, रिया के पति को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है, उसके पास 5 लाख तो है, क्या 5 लाख आप दे सकते हैं? हम जल्दी ही पैसा लौटा देंगे, रिया बोली। पर बेटा गाड़ी तो हमने दी थी तुम्हारी शादी में, फिर अब दूसरी क्यों? श्रीकांत जी बोले, पापा वो तो सस्ती वाली है, पुलकित को लेटेस्ट मॉडल लेना है, रिया चहकती हुई बोली। लेकिन बेटा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो मुश्किल है, 40-50 हजार की बात होती तो अलग बात थी, अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं, साधना जी बोली। रिया नाराज होकर से चली गई, उसे लगा मम्मी पापा पैसे देना नहीं चाह रहे हैं। पापा को रिटायरमेंट का पैसा तो मिला होगा, जबकि वो नहीं जानती थी रिटायरमेंट के पैसे उसकी शादी में कर्ज में चले गए हैं। रिया बेटा तुम वापस क्यों आ गई हो, सब ठीक तो है? 2 दिन बाद बेटी को दरवाजे पर देख साधना जी भी चौंक पड़ी। वो मम्मी पुलकित नाराज है, बोलते हैं गाड़ी में तुम भी तो घूमोगी, आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया, आधा तुम नहीं ला सकती क्या अपने माँ बाप से? वैसे तो वो तुम्हारी सहूलियत को हर चीज देते थे, आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं, अपने घर जाओ और पैसे लेकर लौटना, रिया ने रोते हुए सारी बात बताई। बेटा ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया, 10-20 हजार की चीज है, 5 लाख रुपए में जमीन आसमान का अंतर है, साधना जी तनिक रोष में बोली। पर मम्मी वो बाद में लौटा देंगे ना, आप प्लीज अभी दे दो पैसा,
रिया बोली, बेटा पैसा है कहाँ? सब तो तुम्हारी शादी के कर्ज चुकाने में खत्म हो गया। हम खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी दामाद जी से बात करता हूँ इस बारे में, श्रीकांत जी वहाँ आकर बोले और दामाद को फोन लगाया पर उसने उठाया नहीं। कई बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं उठाया। पापा वो नाराज है, अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, रिया रोते हुए बोली। साधना जी और श्रीकांत जी ने बेटी को दिलासा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचे, पर वहाँ ताला था। रिया की सास तो बेटे के पास गांव गई हुई थी और पुलकित ऑफिस के काम से दूसरे शहर में गया था। घर वापस आकर रिया अपने कमरे में जाकर रोने लगी, क्योंकि पुलकित ने उसे शहर से बाहर जाने का नहीं बताया था और अब वो फोन भी नहीं उठा रहा था। काफ़ी दिन बीत गए पर पुलकित ने उसे फोन नहीं किया। उसे ऐसा लग रहा था वो अकेली है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसे के लिए उसकी सूद नहीं ली और उसे लगता था माँ बाप पैसा देना नहीं चाहते। साधना, ये सब तुम्हारा किया धरा है, मैं तुम्हें पहले ही कहता था, यूँ हर बार बेटी की मदद करना ठीक नहीं। तुम्हारे बार बार बेटी को ज़रूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को ये लगने लगा है हम कैसे भी करके उन्हें पैसे दे देंगे। आज जो तुम्हारी बेटी यूँ घर बैठी है उसमें गलती तुम्हारी ही है। क्या हो जाता अगर वो साधारण चूल्हा इस्तेमाल कर लेती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल करती या बाकी चीज़ें ना इस्तेमाल करती, श्रीकांत जी पत्नी से गुस्से में बोले। सही कहा आपने, मुझे लगा था मैं अपनी एक लौती बेटी की मदद कर रही हूँ, पर नहीं जानती थी मैं तो उसे पंगु बना रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, पर अब इसे किस तरह सुधारेंगे, साधना जी दुखी हो बोली। चलते हैं कल समधीन जी के पास, मुझे यकीन है वो पुलकित को ज़रूर समझाएंगी, श्रीकांत जी बोले। अगले दिन सुबह ही वो रिया को लेकर पुलकित के भाई के घर चले गए। वहाँ रिया की सास से बात हुई, उन्हें नहीं पता था रिया को पुलकित ने मायके भेज दिया है। हालांकि उन्होंने भी साधना जी और श्रीकांत जी से कहा कि आज जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं वो दोनों जिम्मेदार है, बेटी की शादी की है तो उसे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने दीजिए, जरूरी नहीं जो पीआर में हो वही ससुराल में भी हो। फिर उन्होंने तुरंत पुलकित को फोन करके आने को कहा। शाम तक पुलकित आया और माँ की डांट पड़ने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रिया को साथ ले गया। साधना जी और श्रीकांत जी अपने समधन का शुक्रिया अदा करते थक नहीं रहे थे, उनकी समझदारी ने बेटी का घर भी से बसा दिया। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, बेटी को ससुराल में थोड़ी भी परेशानी हो या किसी चीज़ की कमी हो तो माता पिता तुरंत दिला देते हैं, ज़रूरत बाद में आदत बन जाती है और बेटी दामाद अनावश्यक मांग करने लगते हैं, जिनको पूरा न करने की दशा में बेटी को परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है या रिश्ते में खटास आ जाती है। बेटी को उपहार देना गलत नहीं, पर हर बार उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना बच्चों को पंगु बना देता है और उन्हें सहारे की आदत पड़ जाती है। आपने बेटी की शादी की है, अब उसका सुख दुख में साथ दीजिए, पर कुछ परेशानियों का सामना खुद भी करने दीजिए। थैंक यू।